अंकित भाई, हमने हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया किया है प्रियोर मार्केट के लिए, फिर से कुछ नया लेके आए हैं। अच्छा, पूरे बिहार में पहली बार स्कॉर्पियो एम चली हुई मात्र और मात्र 1200 किलोमीटर 1200 चली है 1200 बहुत पूरी गाड़ी पन्नी पैक है भाई। आप ना जगह ढूंढिएगा कि कहाँ पन्नी नहीं है, मीटर पे, सीट पे, सनरूफ की भाई ये जो अपना कवर होता है आप चेक करो, इस पे पन्नी है, यहाँ पन्नी है, मतलब भाई गाड़ी फुल्ली इंटैक्ट कंडीशन में है। आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो होता है उस पर भी पन्नी देख रहे हैं। करता है सफारी स्टॉप, अंकित भाई सफारी स्टॉप VX टॉप मॉडल 1333 है गाड़ी का नंबर। तो अगर आप सेडान कार चाह रहे हैं भाई, अगर आप लेना चाहते हैं ऑडी, आपको पटना में अवेलेबल हो जाती है। अगर आप फॉर्च्यूनर ढूंढ रहे हैं भाई, अगर आप बजट नहीं लगाना चाहते बहुत ज़्यादा 20 लाख 25 लाख, विटारा ब्रेजा, विटारा ब्रेजा, ब्रेजा का सबसे अट्रैक्टिव कलर, जब तक रेड ब्रेजा ना दिखे ना तो मजा नहीं आता। सही बात, गाड़ी का कलर जो है भाई बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि ड्यूअल टोन में रेड और अगर आप देखेंगे ब्लैक में अच्छी दिखती है। 12000 मात्र चली है, बिल्कुल एज गुड एज न्यू, एज गुड एज न्यू आपको देखने को मिल रही है। फोर्स की गुरखा है ये, मात्र 8 लाख, 8 लाख में, 8 लाख में दिया। 19 मॉडल, क्या बात है भाई। अंकित भाई ऐसा है कि एक्सयूवी के लिए हम लोग जाने जाते हैं। सही बात है, तो आज मन किया क्यों ना आज थ्रो अवे प्राइस में एक्सयूवी दें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो आई होप कि आपका 2024 अच्छा जा रहा होगा। वैसे बहुत सारे वीडियो से मैं यही कह रहा हूँ लेकिन मैं पर्सनली दिल से चाहता हूँ कि आपका 2024 अच्छा जाए और मेरा भी जाए। चलिए उसके साथ साथ अगर हम लोग आज की इस वीडियो की बात करें तो टुडे वी हैव द बिग डैडी ऑफ एसयूवी, जिसको हम लोग भाई बहुत ज़्यादा भी आप देखते होंगे कि लोग आज भी इसके लिए साल साल डेढ़ साल की वेटिंग लगाए हुए हैं शोरूम में, क्योंकि ये गाड़ी भाई उस लायक बनाई है महिंद्रा ने। तो आज प्रियोन कार मार्केट में पहली बार रोमिंग बर्ड पर फीचर कर रहा हूँ। दिस इज द टॉप एंड मॉडल, जेड वेरियंट है, ZX माफ कीजिएगा, ऊपर में सनरूफ आपको मिल जाती है और सामने से आप देख ही रहे हैं, कुछ महीने पुरानी है। दिस इज़ नॉट 1 ईयर 2 ईयर ओल्ड कार, कुछ महीने पुरानी है। बात करें अगर इसके इंटीरियर की, आप चेक कर सकते हो, मतलब सारा कुछ पन्नी पैक है। अगर आप देखेंगे, आप ढूंढेंगे कि कौन सी जगह पे पन्नी नहीं है भाई, मीटर पे पन्नी है, सीट पे पूरा पन्नी है, सनरूफ का जो कवर होता है उसके ऊपर पन्नी है, सन ब्लाइंडर पे पन्नी है। मतलब गाड़ी भाई अगर आप इसको परचेस करते हो तो यू विल नॉट फील लाइक कि भाई आप एक प्रियोन्ड कार खरीद रहे हो। इसको खरीदने के बाद आपको प्रॉपर फील आने वाला है कि ये बिल्कुल ही एक ब्रांड न्यू कार है। तो वो दिखाएंगे सफारी स्ट्रॉम XUV 500, और जब XUV 500 दिखा रहे हैं तो मतलब आप समझ जाइए कि बोरिंग रोड में ग्रोवर मोटर्स पहुँच चुके हैं। उसके अलावा फॉर्च्यूनर होगा, अगर आपको चाहिए भाई एक, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, पहाड़ों में जाना पसंद है, तो आपके लिए गुरखा यहाँ पे आ चुकी है, जो कि सिंगल पीस इन बिहार प्रीओन्ड कार मार्केट अवेलेबल है। विटारा ब्रेजा, ऑडी चाहिए, अगर आपको लग्जरी कार चाहिए तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं यहाँ पे सरदार जी कार वाले मतलब मनदीप भैया से और फिर पूरे डिटेल में बात करते हैं। तो भाई चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे बिग डैडी ऑफ एसयूवी जो आप लोग कहते हैं, स्कॉर्पियो एन भी है और साथ में मनदीप भैया। मनदीप भैया बहुत बहुत स्वागत है भैया। बोरिंग रोड से पहली वीडियो है 2024 की, बिल्कुल कुछ धमाका होगा आज, बिल्कुल पूरा धमाका होगा, कुछ कुछ ऐसा दिखाएंगे जो पहले कभी नहीं दिखा होगा। और सही बात है, पूरे मार्केट पूरा पन्नी पैक दिखाएंगे, पूरा पन्नी पैक दिखाएंगे, गाड़ी भी वो दिखाएंगे जो शोरूम में साल साल डेढ़ साल वेटिंग है भैया। अच्छा, स्टॉक में आज क्या क्या दिखाने वाले हम लोग? स्टॉक में आज अंकित भाई दिखाएंगे स्कॉर्पियो एन, सफारी स्टॉर्म दिखा देंगे, अपनी ट्रेडमार्क XUV दिखा देंगे, TUV दिखा देंगे, फॉर्च्यूनर दिखा देंगे, लग्जरी में ऑडी वगैरह सब कुछ, लग्जरी में ऑडी वगैरह सब मिक्स सेगमेंट दिखाएंगे, मिक्स सेगमेंट आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो गाड़ी है ना भैया, बिग डैडी ऑफ एसयूवी। अंकित भाई हमने हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया किया है प्रियोन मार्केट के लिए, फिर से कुछ नया लेके आए हैं। अच्छा, पूरे बिहार में पहली बार स्कॉर्पियो एम 2023 से रजिस्टर्ड है गाड़ी, मतलब कुछ महीने पुरानी। अभी गाड़ी को एक साल नहीं हुआ है, 10 महीने की गाड़ी है। ठीक है भैया, चली हुई मात्र और मात्र 1200 किलोमीटर 1200 चली है 1200 बहुत पूरी गाड़ी पन्नी पैक है। गाड़ी का वेरिएंट है Z8L, लग्जरी मॉडल, सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। बहुत बढ़िया। चलिए भाई अब ना थोड़ी सी गाड़ी को देख लेते हैं अच्छे से। वैसे आप शोरूम में भी जाके देखोगे तो सेम ही गाड़ी है, क्योंकि 1200 चली है दोस्तों।
पटना रजिस्टर्ड है, सिल्वर कलर में आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो एन का ZH L वेरिएंट, डीजल पेट्रोल, डीजल डीजल है भाई, तो याद रखिएगा ये पेट्रोल नहीं है, डीजल वेरिएंट है। एलॉय चेक कर लो, टायर चेक कर लो, और कितनी मस्कुलर लगती है जब आप सामने से देखेंगे तब इसका जो भाई मस्कुलर लुक है ना वो समझेगा आपको। अब मेन चीज़ आपको दिखाते हैं जिसके लिए आप लोग इंतजार करते हैं कि भैया 1200 चली है तो लगनी चाहिए इंटीरियर, लगनी नहीं चाहिए वो दिखेगी, आप चेक तो करो। मैं क्या कह रहा था कि भाई आप ना जगह ढूंढिएगा कि कहाँ पन्नी नहीं है, मीटर पे, सीट पे, सनरूफ की भाई ये जो अपना कवर होता है आप चेक करो, इस पे पन्नी है, यहाँ पन्नी है, मतलब भाई गाड़ी फुल्ली इंटैक्ट कंडीशन में है। आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो होता है उस पर भी पन्नी देख रहे हैं। तो अगर आप भी थक गए हैं भाई महिंद्रा शोरूम जाके कि भैया हमें स्कॉर्पियो एन जल्दी डिलीवर कर दीजिए, वो कह रहे हैं साल डेढ़ साल लगेगा, तो कुछ पैसे भी बच जाएंगे आज, और उसके साथ साथ आपका वेटिंग पीरियड भी बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया वेटिंग पीरियड बच रहा है और पैसे कितने बच रहे हैं वो बताइए। अंकित भाई नई गाड़ी की कीमत 25 से 25.5 लाख, ठीक है, वेटिंग अप्रोक्स कम से कम तो एक साल, हाँ जी एक साल से ऊपर ही जाएगी। बिल्कुल, हम यहाँ 10 मिनट में देंगे और आपकी बचत करा रहे हैं, मोटा मोटी 3-3.5 लाख रुपए की गाड़ी हम देते हैं, मात्र और मात्र 21,90,000। 21 लाख 90 हज़ार नहीं है, 15 लाख रुपए गाड़ी पे लोन करवाएंगे, बाकी पैसे दीजिए डाउन पेमेंट, गाड़ी लेके जाइए। चलिए भाई, तो बाकी का अमाउंट आपको बस डाउन पेमेंट करना है, मतलब 6,90,000 डाउन पेमेंट अगर आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो 6,90,000 की स्कॉर्पियो एन मिल जाएगी आपको प्री ओन्ड कार मार्केट में, ग्रोवर मोटर डीलरशिप पे आपको ये गाड़ी अवेलेबल मिलेगी। इंटरेस्टेड पर्सन भैया को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी एसयूवी सेगमेंट दिखाएंगे तो इसके बाद बात करते हैं सफारी स्ट्रॉम। अंकित भाई सफारी स्ट्रॉम VX टॉप मॉडल 2014 से रजिस्टर्ड है, साथ आराम से रजिस्टर्ड है, ठीक है भैया, चली भी अप्रॉक्स 50,000 किलोमीटर, 50,000 चली, ठीक है, ऑनरशिप फर्स्ट ऑनर, बहुत बढ़िया, ऑनरशिप फर्स्ट रहने वाला है भाई। अच्छा, बोरिंग रोड में माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा आवाज़ भाई नहीं समझ में आता होगा, चाहे शोर आती होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ये। नंबर देख लीजिए, BR24 है भाई, सासाराम का रजिस्टर्ड है, भैया ने जैसा बता दिया, दिस इज द टॉप एंड मॉडल सफारी स्ट्रॉम में भाई। अगर टॉप एंड आप लेते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है एलॉय व्हील, उसके साथ साथ आपको मिल जाता है भाई टर्न इंडिकेटर ऑन द ORVM। इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है आपका भाई अभी दिखाएगा, वो आप चेक कर लो। तो इसमें आपको वो रॉनेस जो चाहिए ना आपको कि भाई गाड़ी रॉ फील होनी चाहिए, तो स्ट्रॉम लीजिएगा तो आपको वो चीज़ आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये इसका पूरा इंटीरियर है, और सफारी स्ट्रॉम कोई भाई भारी वाली गाड़ी है नहीं, तो आपको कोई सा भी मॉडल लेंगे आपको मेंटेन ही देखने को मिलती है वो चीज़। तो बात करते हैं अब सफारी स्ट्रॉम टॉप एंड मॉडल, भैया कितने में लेके आए हैं इस गाड़ी को? अंकित भाई दे रहे हैं हम मात्र 6,25,000 में, 6,25,000 में लोन हो पाएगा इस पे? 50% लोन करा देंगे, करा देंगे, ठीक है भैया। ट्रेडमार्क अपना ट्रेडमार्क आ गया, एक्सयूवी W11 ऑप्शनल टॉप एंड मॉडल 2020 से रजिस्टर्ड, 2020 से रजिस्टर्ड, बहुत बढ़िया, चली हुई 38,000 किलोमीटर, 38,000। चलिए भाई, तो 38,000 किलोमीटर चला हुआ है, पेट्रोल डीजल मत पूछेगा, ये आती है मात्र और मात्र डीजल में ही। BR04 है, अपना रजिस्ट्रेशन है भाई ये छपरा का, आप देख सकते हैं ये इसका पूरा लुक आता है। और भाई अगर नई वाली बात करें ना, नई वाली जो ग्रिल जब आनी शुरू हो गई थी तो बहुत ही अच्छी लगती है, आप देख पा रहे होंगे वो चीज़। इसमें क्या कुछ मिल जाता है, इसमें आपको मिल जाता है सनरूफ, W11 ऑप्शनल है, तो एलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं डायमंड कट वाले, साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे फुट स्टेपर आपको मिलती है, और क्या मिलते हैं इसके इंटीरियर में, तो बहुत ही लग्जरी, बहुत ही प्रीमियम आपको क्लास की फील देता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सीट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट लेवल भाई कंफर्टेबल, और बहुत ही अच्छा सीट देखने को मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल आ जाता है स्टीयरिंग पे आपका, जिससे आप क्रूज कर सकते हो गाड़ी को, एयर बैग, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, सनरूफ आता है, और शायद से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 से 8 एयर बैग भी आपको देखने को मिलता है। तो SUV क्लास अगर आपको चढ़ना है, प्रीमियम फील लेना है भाई, तो महिंद्रा की XUV 500 इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। भैया कितने में लेके आए हैं? अंकित भाई ऐसा है कि XUV के लिए हम लोग जाने जाते हैं, सही बात है, तो आज मन किया क्यों ना आज थ्रो अवे प्राइस में XUV दें, ठीक है, 20 की गाड़ी मात्र 13.5 लाख रुपए, मात्र 13.5 लाख रुपए में दे देंगे, और इससे कम नहीं कराना भैया, सही बात है, उसमें मत कम करा लेना भाई, जो रेट में आप लोगों को 18-18 मिलती होगी ना, 20 मॉडल भैया ने दिया, और नहीं हो तो लोन तो करा ही देंगे, लोन करा देंगे। अभी कितना है स्टॉक में भैया XUV 500? अभी हमारे पास 6-7 बची हुई, 6-7 अभी है। चलिए भाई, स्टॉकिंग होते रहता है, उसके लिए कॉन्टेक्ट कीजिएगा। फॉर्चुनर भैया, फॉर्चुनर 2014 से रजिस्टर्ड है, पटना नंबर है, अच्छा, गाड़ी चली हुई 55,000 किलोमीटर, 55,000 चली हुई है, और नंबर भी है VIP नंबर के साथ 4x6 है, आप देख लो भाई, ये गाड़ी सेकंड ओनर है, ये गाड़ी सेकंड ओनर है, और बहुत कितने कम मिलती बार है, आपके मुंह से सुना है, बहुत कम मिलती है, सही बात है, बहुत भाई अरसे बाद इनके मुंह से सुना है कि ये गाड़ी सेकंड ओनर है। तो गाड़ी आपके सामने है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, और ये है फोर व्हील ड्राइव वाली, है ना भाई? फोर व्हील ड्राइव, बिल्कुल फोर व्हील ड्राइव के साथ में मिलती है, नंबर आपको मिल जाता है VIP, जो कि भाई खुद में एक अलग पहचान देती है गाड़ी की, पहचान खैर अलग ही है भाई फॉर्च्यूनर की, उसमें भी VIP नंबर चढ़ा हुआ है, मिल जाता है साइड में बहुत सा ही बड़ा एक टायर प्रोफाइल, उस पे लगे हुए भाई एलॉय व्हील टोयोटा का, बीच में ब्रांडिंग मिलता है, D4D मतलब फोर व्हील ड्राइव आपको मिल जाती है इस गाड़ी में। क्या मिलता है इंटीरियर में वो आपको मैं चेक कराता हूँ। तो ये है इसका इंटीरियर,
अच्छा आप मानेंगे, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं भैया फॉर्चुनर में क्या मिलता है क्या नहीं, भाई 14 के आसपास का भैया ने शायद से मॉडल बताया। इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट आपको सीट में देखने को मिल रहा है, वो देख पा रहे होंगे आप। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, दो गियर नॉब आपको देखने को मिलता है, दूसरा वाला जो छोटा वाला है वो फोर व्हील ड्राइव के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका इंटीरियर है। अगर आप फॉर्च्यूनर ढूंढ रहे हैं भाई, अगर आप बजट नहीं लगाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा 20 लाख 25 लाख, तो इस वाले फॉर्च्यूनर से आप चला सकते हैं, अपने दिल को शांत कर सकते हैं। भैया कितने में मिलेगा ये? बिल्कुल चला सकते हैं, 14 की गाड़ी है, फिल्म ही आने लगे कि 14 का प्राइस है। गाड़ी हम दे रहे हैं मात्र 12.5 लाख रुपये। 12.5 लाख रुपये की फॉर्च्यूनर आपको मिल रही है। अमूमन आपको पता है कि अगर 14 की गाड़ी है तो 14 लाख में मिलती है, लेकिन आपको 12.5 में। उसके बाद भी भाइयों का मान सम्मान रखें कर देंगे आने। बिल्कुल ठीक है। अब 7 सीटर में आपके लिए एक और ऑप्शन, ट्यूबी 300 टॉप ऑफ द लाइन T10। अच्छा, डुअल मोड में, डुअल टोन में। गाड़ी गोपालगंज से रजिस्टर्ड है। ठीक है भैया, गाड़ी चली हुई है अप्रॉक्स 45,000 किलोमीटर। 45,000 चला हुआ है, मॉडल रहने वाला है T10 2018 का T10 है, वेरिएंट T10 आपको देखने को मिलेगा और गोपालगंज रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी का कलर जो है भाई, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि ड्यूअल टोन में रेड और अगर आप देखेंगे ब्लैक में अच्छी दिखती है। आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। बाकी ये है इसका फ्रंट प्रोफाइल, मोर और लेस भाई बोलेरो नियो वगैरह आप जानते हैं सेम ही दिखती है। साइड में आपको मिल जाता है अलॉय व्हील, उसके साथ साथ आप टायर प्रोफाइल देख सकते हैं। इस गाड़ी में एक बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप खुद चलना चाहते हैं चलिए भाई बहुत बढ़िया है, अगर आप भाड़े में भी कमाना चाहते हैं फिर भी मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपका, जिससे आप घूम भी सकते हैं और भाड़े में भी चला सकते हैं। ये इसका इंटीरियर है भाई, एक बार आप सीट कवर जरूर देखना, क्या नेक्स्ट लेवल लगा हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ट्यूबी 300 में, आपको ऊंचे मॉडल में टॉप एंड मॉडल भैया दिखा रहे हैं, अब जान लेते हैं कि कितने में आपको मिलेगी ये। अंकित भाई गाड़ी का कुछ कहना क्या है, मतलब ये गाड़ी एक होता ना कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे, चलाते रहो, मानती नहीं, हार नहीं मानने वाली, पूरा रफ एंड टफ है, माइलेज भी वैसे है। सही बात है, गाड़ी हम दे रहे हैं मात्र 7,25,000 में। 7.25 लाख में? बिल्कुल। चलिए भाई, तो 7.25 लाख रुपए लेकर आइएगा, 7 सीटर टॉप मॉडल लेकर जाइएगा और गाड़ी की कंडीशन भी आपने देख ली है। अब आपको कुछ दिखाते हैं सेडान में, आपको कुछ दिखाते हैं वैसी गाड़ियाँ भी अभी आपने पास जो पहाड़ों में भी चली जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल वैसी बिल्कुल वैसी गाड़ियाँ भी आपको आज देखने को मिल जाएगी। भैया किधर से स्टार्ट कर रहे हैं? वरना से करते हैं। चलिए भाई वरना पहले आपको दिखाते हैं। तो इधर आपको सेडान सेगमेंट में दो गाड़ी आपको दिखाने वाले हैं, एक हुंडई की ब्रांड से दूसरी ऑडी से। तो खैर हम लोग पहले इसकी बात करते हैं। वरना अंकित भाई 2019 से रजिस्टर्ड, पटना से रजिस्टर्ड है। ठीक है, पेट्रोल वेरियंट में SX। SX मतलब सेकंड टॉप। इसमें भैया मुझे जहाँ तक पता है बस सनरूफ नहीं आता, इसमें बस सनरूफ नहीं रहता, बाकी सारे फीचर हैं। बाकी सारे फीचर आ जाते हैं। 19 मॉडल चली हुई है, चली हुई 31,000 किलोमीटर, 31,000 चली हुई, व्हाइट कलर में पेट्रोल वेरिएंट आप देख रहे हैं। अच्छा सारे फीचर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भाई रह जाता हम लोग नहीं बता रहे, आप सामने से देखो ना, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL आपको देखने को मिल जाता है भाई, जो कि आपका टर्न इंडिकेटर में भी चेंज हो जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। BR01 है, पटना रजिस्टर्ड है और ये इसका साइड प्रोफाइल है। वरना लवर को अगर आपको ये वाली सेप पसंद आई थी जो कि 19 और 18 इन सब में आया था, तो आप भैया को कांटेक्ट कर लेना। आपको दिखाते हैं क्या कुछ इसके इंटीरियर में मिलता है। और वरना भाई आपको अगर सही बताऊँ ना, तो अगर आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बेहतर, तो वरना आप लेकर जाइए भाई, पॉकेट में भी बहुत ज़्यादा नहीं भारी पड़ेगा और पैसे ज़्यादा है तो ये तो अभी आपको दिखाएंगे ही। इसकी बात कर रहे थे हम लोग, क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाती है भाई, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, सीट कवर आप देख सकते हैं, बीच में हैंडरेस्ट आ जाता है, ट्विन कप होल्डर। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये इसका इंटीरियर है, बहुत ही हाईली मेंटेन्ड आपको ये सारी गाड़ियाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए 19 मॉडल फर्स्ट ऑनरशिप पे पेट्रोल वेरिएंट, मनदीप भैया एक प्राइस हो जाए फिर 24 के उपलक्ष में, मात्र 8 लाख। 8 लाख में? 8 लाख में दिया। 19 मॉडल, क्या बात है भाई, तो 8 लाख में 19 मॉडल आपको मिल जाएगा। वरना SX आगे आते हैं ऑडी की भाई, जब ये अपनी सेगमेंट स्टार्ट होती है सेडान की, A3। ठीक है, A3 है, 2017 से रजिस्टर्ड, रांची से रजिस्टर्ड है गाड़ी। ठीक है भैया, गाड़ी चली हुई मात्र और मात्र 29,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड। बस यही तो सुनना था कि विद कंपनी सर्विस रिकॉर्ड ये चली हुई है 29,000। बहुत बढ़िया, टॉप एंड है भैया ये? टॉप एंड मॉडल S-Line। S-Line सबसे टॉप एंड है। एक चीज़ पे भैया ने ध्यान नहीं दिया, मैं आपको दिला देता हूँ, 1333 है गाड़ी का नंबर। तो अगर आप सेडान कार चाह रहे हैं भाई, अगर आप लेना चाहते हैं ऑडी, आपको पटना में अवेलेबल हो जाती है, उसके लिए मनदीप भैया को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, क्या कुछ आ जाता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने जाऊंगी कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प है या फिर कुछ भी, भाई आपको लग्जरी कार दिखा रहे हैं ये थोड़ी ना दिखाएंगे, लेकिन इसमें जो आपको दिखाएंगे वो बाकी आपको सेडान कार में नहीं मिलती है। वो है इसका, आप देख सकते हैं ग्लास एरिया बहुत बड़ा आता है भाई। मैं हमेशा जब भी A3 A4 को सूट करता हूँ आपको दिखाता हूँ कि बहुत बड़ा सा एक ग्लास एरिया मिल जाता है। इंटीरियर में क्या कुछ मिल जाता है वो उसकी बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं।
तो ये इसका इंटीरियर रहने वाला है। आप सोचते हैं भाई इतनी लग्जरी कार, इसमें हमें टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम ही देखने को मिल रहा है, हमें स्क्रीन नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें आपको मैं बताता हूँ भाई कि इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्लोटिंग डिस्प्ले। जैसे आप गाड़ी को ऑन करेंगे ना तो यहाँ से एक स्क्रीन ऐसे निकल के आती है, तो वो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना नेक्स्ट लेवल लगता होगा। तो ये है ऑडी की A3 का इंटीरियर। ऊपर में आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी सी सनरूफ आ जाती है। गाड़ी का मॉडल भैया ने बता दिया है। भैया मॉडल क्या बताया था आपने? 2017 मॉडल ऑडी। कितने में चढ़ाएंगे भाइयों को? भाइयों को चढ़ा देते हैं ऑडी 17.5 लाख रुपए में। चलिए भाई 17 की गाड़ी 17.5 लाख में। 17.5 लाख नहीं है, 10 से 12 लाख लोन भी करा देंगे। 10 से 12 लाख लोन कराएंगे। बहुत बढ़िया। विटारा ब्रेजा ब्रेजा का सबसे अट्रैक्टिव कलर। जब तक रेड ब्रेजा ना दिखे ना तो मजा नहीं आता। सही बात है। गाड़ी 2018 से रजिस्टर्ड, पटना से रजिस्टर्ड है। चली भी 45,000 विद सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है। ZDI वेरिएंट में डीजल में ZDI वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन मॉडल आप देख रहे हैं, जो कि है BR01 0205 है भाई। और ZDI में ये माइलेज बहुत अच्छा देती है। मतलब आपको SUV सेगमेंट में माइलेज भी चाहिए, मेंटेनेंस लो चाहिए, 20 के ऊपर का माइलेज आपको आराम से निकाल के देगी ऑन हाईवे। मैं बता रहा हूँ, सिटी में हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए। अच्छा, एलॉय व्हील इसमें मिल जाती है। साइड प्रोफाइल आपने देख लिया। इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ क्या कुछ आपको इसमें मिलता है। तो सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप डोर पैनल पे देखें कंट्रोल्स, वो सारे मिल जाएंगे। अच्छी चीज़ मैं बताऊँ इसमें भाई, जो है ना कंपनी फिटेड सीट कवर लगे हुए, जिसका लाइफ बहुत ही अच्छा होता है। लंबे समय तक कुछ भी फट्टी चिट्टी नहीं, अच्छे से मेंटेन करना वो आपको मिलती है। म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएगा भाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली नीचे में आपको मिल जाता है। वहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल, AC। विटारा ब्रेजा 2018 पटना रजिस्टर्ड टॉप एंड सेकेंड टॉप। ठीक है भैया, कितने की देंगे गाड़ी? हम दे रहे हैं 7,45,000 में। और लोन कराना हुआ तो डाउन पेमेंट 2.25 लाख रुपये। 2.25 लाख रुपये देकर भी लेकर जा सकते हो। अब बात करते हैं 4x4x4 कार सेगमेंट। अंकित भाई पूरा दिखा दिया। अब भाइयों को चाहिए रोड प्रेजेंस, तो ये गाड़ी देती है रोड प्रेजेंस। लोग आप चलोगे गाड़ी पे, लोग घूम घूम के देखेंगे। सही बात। अरे हो के देखेंगे, सेल्फी खिंचाएंगे। बिल्कुल सही, वो है ये। ये हमारी फोर्स मोटर्स की गुरखा। ठीक है भैया, 2022 से रजिस्टर्ड है। 2022 से 4x4x4 है। अच्छा, ठीक है। गाड़ी चली हुई 12,000 किलोमीटर, 12,000 मात्र चली है। बिल्कुल एज गुड एज न्यू आपको देखने को मिल रही है। फोर्स की गुरखा है ये। आपको इसमें भी जो दिखा रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन मॉडल दिखा रहे हैं और पटना रजिस्टर्ड दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाई नेक्स्ट लेवल कार लेकर आ गए हैं तो उसके लिए दिल्ली मुंबई दिखा दिया, नहीं, पटना रजिस्टर्ड गुरखा आपके सामने है। और ये गाड़ी कैपेबल है हर एक जगह पे जाने के लिए, जो भी आपके दिमाग में होता है कि भैया एडवेंचर के लिए लद्दाख जाएंगे, भाई ये आराम से जाती है। आप देखें इसका पूरा साइड प्रोफाइल, और बहुत ऊंची है। आप देखेंगे वहाँ एक थार लगी है और उससे कंपेयर करेंगे ये बहुत ज़्यादा ऊंची है। और कहीं भी जाने के लिए जैसा हमने बताया कि ये कैपेबल है। इंटीरियर आपको मैं दिखा देता हूँ, वो रॉ फीलिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो आप चाहते हैं कि भैया हमारी एडवेंचरस कार में होनी चाहिए, वो आपको मिलता है इसमें। यहाँ देख लीजिए 4x4x4, ज़्यादा जानना होगा गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेवल फीचर है कि ये गुरखा 2022। गाड़ी की कीमत 18 लाख रुपए ऑन रोड। गाड़ी ऑन डिमांड ही आती है। सही बात है। ठीक है, आने में 6 महीने लगते हैं। अच्छा, हम तुरंत 10 मिनट में देंगे और मात्र 12 लाख रुपए में देंगे। मात्र 12 लाख। भाई रेट क्या खोला है भैया ने कि 22 की गुरखा लेकर जाओ मात्र 12 लाख रुपए में, वो भी गाड़ी भाई 22,000 चली, 12,000 चली हुई, 12,000 चली हुई है, 12 लाख में दे भी रहे हैं। तो इंटरेस्टेड पर्सन कांटेक्ट कर लीजिएगा भैया, लोन करा ही देंगे इस। बिल्कुल लोन करा। ठीक है, तो भाई ये आपको बता दिया है, 12 लाख में ये ले जाइए 12,000 चली हुई गुरखा। बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी हमारे पास और भी गाड़ियाँ रहती है, आप देख सकते हो इधर ये लगी है वो लगी, यहाँ से ज़्यादा बता नहीं पाते। उधर ओल्ड मॉडल स्कॉर्पियो लगी है, वहाँ देख लीजिए। बाकी स्टॉक पूरा भर भर के रखा हुआ है। आपको कोई भी नीड है आप कॉल करो, व्हाट्सएप पे कैटलॉग मंगाओ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बहुत बढ़िया। आप बता दे भैया हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं बोर्डिंग कैनाल रोड, इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट है। अच्छा, उसके ठीक सामने हमारा ऑफिस है ग्रोवर मोटर्स नाम से। बहुत बढ़िया। और यहाँ पार्किंग में आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको देखना हो तो भाई बहुत सारी गाड़ियाँ इनके स्टॉक में होती है। ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ आपको जो चाहिए होती है वो इनके पास मिल जाएगा। उसके लिए नंबर दे दिया है, आप इन्हें रीच आउट कर लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर स्क्रीन पे मैंने चेक कर दे दिया है। इसके अलावा इनकी और भी अदर ब्रांच की वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्दी वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इनमें से कोई भी गाड़ी पसंद आ रही हो भैया को कॉन्टैक्ट कर लेना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।